बेमेतरा ब्लॉक के अनेक गांवों में इन दिनों अखंड श्री नवधा रामायण का आयोजन ग्रामवासियों के सहयोग से हो रहा है, जहां मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा किसान नेता योगेश तिवारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। वहीं योगेश तिवारी के पहुंचते ही आयोजनकर्ताओं ने उनका आत्मीय स्वागत किया, जहाँ तिवारी ने भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वहीं आयोजनकर्ताओं ने मुख्य अतिथि व उनके कार्यकर्ताओं को शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया, जिसके बाद योगेश तिवारी ने मौजूद श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामवासियों को जानकारी दी, जिससे सही समय पर सभी लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं इस तरह के धार्मिक आयोजन के लिए उन्होंने सभी मानस मंडलियों व आयोजनकर्ताओं को बधाई देते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मैं अभी गांगपुर आया हूं, लोलेसरा, और हमारे बेमेतरा विधानसभा में लगातार ये गांव-गांव में मानस मन सस्ता है, नवधा रामायण का आयोजन किया जाता है और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के त्याग तपस्या के बारे में वर्णन किया जाता है और बहुत एक अच्छा धार्मिक आयोजन है। इसके लिए मैं आयोजन समितियों के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहूँगा। अब आज पूरे देश में चारों तरफ देख रहे हैं आप, पूरा प्रभु श्री रामचंद्र जी का जय जयकार हो रहा है, जैसे श्री राम का नारे लग रहे हैं, जय जयकार हो रहे हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे भारतवर्ष की इस माटी में हम लोगों ने जन्म लिया है, जिसके कण कण में प्रभु श्री रामचंद्र जी बसे हुए हैं, और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कार्यक्रम हम लोग को आने का मौका मिलता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का हमें आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता है हम लोग, और ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहे, इसके लिए भी हम लोग तन मन धन से सभी आयोजन समिति को हम लोग सदस्य को हम लोग सहयोग करते रहते हैं।